الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر باوقار معزز علماء اکرام محترم شعراء اسلام میں آپ کی ہمت کو سلام کروں کہ کم از کم اتنے لوگ ابھی موجود ہیں ये कम बड़ी बात नहीं है। मेले में और स्टेशनों पर भीड़ बहुत होती है, लेकिन उस भीड़ में अपना कोई कोई होता है। बस ऐसे ही समझ लें कि दुनिया एक भीड़ है। भीड़ में लोग तो बहुत हैं, लेकिन मुस्तफा वाला कोई कोई होता है। मुझसे पहले आपने खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान आलिम ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना साजिदुर्रहमान साहब की बड़ी ही सहर अंगेज गुफ्तगु समाप्त की। नाज़िम इजलास मुंबई इखलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब, आपको धक्के दे देकर बैठा भी रहे थे, जगा के भी रखे। और शायद ये 2023 का आखिरी रिकॉर्ड होगा कि इतने बड़े मजमे से अहले सुन्नत के खादिम बलियावी की मुलाकात हुई, और इसमें भी कोई किसी तरह का मुबालगा नहीं है कि जलसों की तारीखों के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। लेकिन ये आलिम दीन के हुक्म की तामील की वजह से बलियावी हाजिर हो गया। अब अगर कुछ सुनने की ख्वाहिश है तो जो पीछे वाले उधर लाइन में बैठे हैं वो अपनी कुर्सी इधर जो खाली पड़ी है इस पर आगे बैठ लो। अरे इस तरफ आ जाइए ना। हाँ, कम हो अगर दम हो तो जंग जीती जा सकती है। बैठ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब अपने लोग हैं, आ जाइए। अब आप लोग क्यों इसे कर रहे हो, आप लोग भी आ जाओ, जगह तो है ही है। अब वो सोच रहे हैं कि उठे कि ना उठे, बाकी कुर्सियों को समेट कर किनारे रख दो, क्या मतलब। अच्छा आप लोग भी अपनी कुर्सी लिए दिए थोड़ी देर आ गया जी, कुर्सी के साथ आइएगा। इंडिया में कुर्सी छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी माशाल्लाह।
लो। कह रहा था है 10-20 मिनट में लियावी की कुछ कड़वी गुफ्तगु सुनने की हिम्मत है आप में? मीठी नहीं कड़वी। कड़वी इसलिए मैंने कहा है कि जन्नत की चाबी बांटने वाले इस वक्त मुकम्मल जन्नत की एजेंसी लेकर घूम रहे हैं। कल तक तो आपने सुना था ये जमीन माफिया है। खाली चाब ये शिक्षा माफिया है, ये मेडिसिन माफिया है, ये मेडिकल माफिया है, लेकिन इन माफियाओं के बीच में एक नया निकला है जन्नत माफिया। छोड़ दीजिए ना, उसको क्या मतलब है? उसको नींद नहीं आती, आगे बैठ गया है, उसको क्या मतलब है भाई? उसकी तरफ देखो नहीं, ये क्या कम है कि टोपी लगा के कुछ देर के लिए मुसलमान बन गया है? समझ जाओ तो आप लोग मुझ पर गुस्सा से क्यों देख रहे हैं? मेरा कसूर थोड़ी है 12 बजे रात को आने का। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? आप डर क्यों रहे हैं? उसकी जमीन में थोड़े रहे। कौन माफिया? यानी स्टेजों पर खड़ा होकर जन्नत वैसे बेच रहे हैं जैसे लग रहा उनके बाप की जमीन हो, पट्टा काट के दिए जा रहे हैं। और ये काम वही कर रहा है जिसकी अपनी जन्नत की कोई गारंटी नहीं। माइक वाले इको हटा दो प्लीज। है कि भाग गया? एकदम इक्को हटाओ। और जब भी जलसा आप लोग करना, इतना साउंड मत लगाना। मेरा मजहब किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं है, दुखी दिलों को आराम देने वाले मजहब का नाम इस्लाम है। क्या जरूरत है 10 किलोमीटर आवाज फेंकने की? गलत बात है। और कुछ तो हमारे स्टेजों पर भी ये बीमारी है, यानी माइक वाला बेचारा कलेजे पर हाथ रखता है, पता नहीं ये एक्सीलेटर कहां तक दबवाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि माइक के अंदर ढुका दो तब भी बोलेंगे यार आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा और बढ़ा दो। गुफ्तगू काम की होती है तो नींद नहीं आती है। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है? कितने लोगों का उठाए रखे? नहीं नहीं इधर वाले तो तैयार है, ऊपर वालों का क्या हाल है? अच्छा जाएगा ही कहां, ठंड का मौसम है। तो अगर सुनने का मूड है तो जी लगाकर बाबा से बुलंद और शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिन और सलातुम सलाम आने के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शौरा से आपने ना तो मनकबत समाप्त किया, बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लीजिए, सिर्फ एक शेर। ईमान से आप बताना, मदीना देखे नहीं हो, इश्क है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई,
तकरीर आपको करनी पड़ेगी मेरी मदद के लिए। नबी का रोजा देखा नहीं लेकिन इश्क है, शहरे तैबा देखा नहीं लेकिन इश्क है, चेहरे रसूल देखा नहीं इश्क है, पाए नबी देखा नहीं इश्क है, जुल्फे मुअम्मर देखा नहीं इश्क है, अंगुश्ते नबी देखा नहीं इश्क है, हद तो ये है, हद तो ये है कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहि सलाम के अबू बकर को देखा नहीं मोहब्बत है, उमर को देखा नहीं मोहब्बत है, उस्मान को देखा नहीं मोहब्बत है, मौला अली को देखा नहीं मोहब्बत है, हसनैन करीमैन को देखा नहीं मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, बहुत उम्दा भाई, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह जी। जरा एक बार नारे वाले नारे तकबीर, सब लोग हाथ बराबर कर नारे तकबीर। देखिए अगर आप वाकईतन सुनना चाहते हैं, बल्कि अभी साहब ने वादा पूरा किया, हजरत तशरीफ ले आए, आना ही कामयाब है, हजरत ने दावत दिया था सुनना, अब सुनना चाहते हैं कुछ माहौल बनाइए। और यकीनन ये हादसा कहिए चाहे सानहा कहिए, ये 2023 में हजरत ने बिल्कुल वजह फरमाया, शायद कोई ऐसा पैदा करता होगा मारे, लेकिन इसका पार के कोई शिकवा नहीं। आप जितने भी सब काफिल मुबारकबाद है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे शेरे नजर, हाजिए मिलत, अल्लामा गुलाम रसूल बरियानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सद्दाम की मौतों की तकरीब न होगी, नबियों की ताकत कभी तस्लीम न होगी, ये जान भी जाती है चली जाए फला से, मुझसे किसी फिरौन की तहजीब न होगी। मैं अली स्टेज की तरफ, स्टेज वाले बोले तो मैं समझूंगा मैं सही समत जा रहा हूं, वरना मुझे मालूम है कि गुंगों से भी बलिया भी जिद पर आ जाए तो बुलवा लेता है। लेकिन मैं इल्तिजा कर रहा हूं, अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और इशारे समझते हैं तो बस समझो चाहूंगा। देखा नहीं है लेकिन इश्क है, मोहब्बत है, अकीदत है। अब सवाल ये उठता है, मक्का वो शहर है, मक्का वो शहर है जो मेरे भारत से हजारों हजार मील दूर है, फिर इश्क की बुनियाद क्या है? बोलेंगे तो बोल दूंगा, नहीं नहीं बोलेंगे तो बोल दूंगा, अगर डर न लगे तो बोल दें सुभान अल्लाह। हजरत आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, बोलेंगे तो और अच्छे लगेंगे, थूक दीजिए बहुत हो गया, आइए मैदान में थोड़ी देर तो बोलिए ना यार, इतने अच्छे हैं। तवज्जो चाहो, क्या कह रहा था, हजारों मील दूर है, देखा नहीं है इश्क है। अब इसको यही रोक ले, क्यों है, क्यों है, पॉइंट आउट क्यों है, मिट्टी की वजह से नहीं, पहाड़ों की वजह से नहीं, सोने की वजह से नहीं, पेट्रोल की वजह से नहीं, डीजल की वजह से नहीं, सऊदीया के हुक्मरानों की वजह से नहीं, आखिर वजह क्या है मोहब्बत की? तो कुरान ने कहा, तवज्जो चाहो, कुरान ने कहा क्या कहा, जमीन बनाई रब की, आसमान बनाया रब का, लेकिन रब ने
अपनी बनाई जमीन के हर हिस्से की कसम नहीं फरमाया है, बल्कि उस शहर की कसम फरमाया है जिस पर रसूल का कदम नाज पड़ा है। रसूल का कदम नाज पड़ा है। अब एक बात और यही जिमनन लाकर पूछ दूं, मान लीजिए किसी को हार्ट की शिकायत हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, ईसीजी किया, अल्ट्रासाउंड किया, एंजियोग्राफी क्या क्या होता है करने के बाद बोला आपको ब्लॉकेज है। देखा नहीं है हार्ट का ब्लॉकेज आपने, डॉक्टर ने कह दिया ब्लॉकेज है, माना कि नहीं माना? अरे बोलो ना। बोला किडनी डैमेज, अपनी किडनी देखा नहीं है, माना कि नहीं माना? कहा कि ब्लड कैंसर है, अपने ब्लड में देखा नहीं कि कैंसर होता कैसा। डॉक्टर ने कहा माना कि नहीं माना? अब जरा जहन यही रोक लो, जब जिस्म की सांसें रुकने लगे तो डॉक्टर जो कहे वो मान ले, जब जिस्म की सांसें रुकने लगे तो डॉक्टर जो कहे वो मानने लगे। कुर्बान जाओ, बोलोगे तो बोल दूंगा, रंग में आ जाओ, रंग में आ जाओ, बोल दो, बोल दो। डॉक्टर के कहे से किडनी डैमेज मान लिया, हार्ट का ब्लॉकेज मान लिया, ब्लड कैंसर मान लिया, शुगर डायबिटीज मान लिया, सारी बीमारियां मान लिया, देखा नहीं है मान लिया, देखा नहीं है मान लिया। मेरे अजीज, जब जिस्म की सांसें रुकने लगी तो डॉक्टर की कही हर बात मान लिया, लेकिन मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, सारे नबियों का नबी, सारे रसूलों का मुक्तदा, जैसे ही आकाए करम ने अब यहां उलमा इजाजत देते हैं, सैयद साहब, सैयद खाली साहब, सवाल ये उठता है कि जब रब ने मेरे नबी को नबी बनाया, नबी बनाया, नबूवत देकर भेजा, बने तो नबी, आए तो नबी, फिर ऐलान नबूवत के लिए 40 साल इंतजार क्यों? बोलोगे तो बोलोगे, जोर से बोल दो, 40 साल इंतजार क्यों? हमें जब मनसब मिल गया, मिल गया, वो भी बंदों का दिया नहीं, रब का दिया, रब का दिया। अब बलिया भी को यही रोक कर अर्ज कर लेने दो, जितने नबी सब हयात से हैं, सारे नबी हयात से हैं, लेकिन आज के दौर में हयातुल नबी तो है, दौरे नबूवत नहीं है, दौरे नबूवत सिर्फ मेरे मुस्तफा का है, अहदे नबूवत सिर्फ मेरे मुस्तफा का है, अहदे रिसालत सिर्फ मेरे मुस्तफा का है। अब बेसाइज का पैजामा वाला कोई पागल कहने लगे कि आदम आए चले गए, ईसा आए चले गए, इब्राहिम आए चले गए, नूह आए चले गए, साले आए चले गए, यूसुफ आए चले गए, तो जिंदा कैसे? तो अकल के टुवरों के कान में दो बूंद गरम तेल डाल के कहना, मस्जिद अक्सा में
मेराज की शब जब नबी ने इमामत की तो मुक्तदियों की जमात में तेरा बाप नहीं खड़ा था, आदम खड़े थे। भैया जल्दी बैठ लो, हाँ एक तो बड़ी मुश्किल से मैं कोशिश कर रहा हूं। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, अगर डर नहीं लगता हो तो एक बार बोल दे या रसूल अल्लाह, और जोर से। वैसे माफ कीजिएगा खान साहब को, खान साहब को जलाल बहुत लेट से आता है, लेकिन आ जाए तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, है ना? अरे बात सही है कि गलत है? बात तो सही है। किसी साहब ने कहा कि भाई वो आप कागज पर लिखते रहिए, पठान का पुरवा होता तो सब लाठी लेकर रोड तक पड़े रहते। वैसे खान साहब इलाके के बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पोते को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए कोई मौली साहब आते थे बेचारे, बात समझे? तो खान साहब का पोता कहता था दादा इस मौलवी को भगा दो अच्छा नहीं है। तो खान साहब ने कहा क्यों? बोला एक कलमा से तो काम चल ही सकता था, ये पांच कलमा क्यों रटा रहा है? खान साहब तो खान साहब, और जाहिर सी बात है जमींदार पठान का पोता था, मौली साहब थोड़ा कड़क मिजाज थे। एक रोज इत्तेफाक से खान साहब के पोते की का हाथ भरी हुई गन पे पहुंच गया, गन उठा लिया, अब जिधर जिधर मौली साहब जाए खान साहब का पोता गन का नाल उधर ही करे। मौली साहब चिल्ला रहे खान साहब बचा लो, आज के बाद नहीं पढ़ाने आऊंगा, बस आज भर बचा लो। खान तो खान साहब, खान साहब बूढ़े 80 साल के, वो रुआब वाला चेहरा, बोले मौली साहब बिला शुभ आप जन्नत की चाबी हो, लेकिन पोते ने पहली बार गन उठाया है। सवाल मेरे खानदान की इज्जत का है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं मौली साहब, लेकिन सवाल यह है कि खानदान के बड़े पोते ने पहली बार गन उठाया। मौली साहब ने सोचा वक्त से पहले इन्ना लिल्ला पढ़ लो, कलमा जरूर पढ़ लो। तो खान साहब हो तो जरा सा उसी रंग में सुन लीजिए 10-20 मिनट, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, ओए जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। आखिर शहरे तैयबा से ये मोहब्बत क्यों, शहरे मुस्तफा से ये अकीदत क्यों, शहरे रसूल से ये इश्क क्यों? देखा नहीं है इश्क है तो बलिया भी वहीं पलट के आ जाए। डॉक्टरों ने कहा हार्ट है, देखा नहीं मान लिया, शुगर है, देखा नहीं मान लिया। जब जिस्म की सांसें खतरे में पड़े तो डॉक्टर की मान ली जाए, डॉक्टर की मान ली जाए, डॉक्टर की मांग ली जाए, जिस रब के महबूब ने, जिस रब के रसूल ने, जिस रब के हबीब ने
40 साल तक, कितना दिन, 40 साल महबूब आप चुप रहे, हबीब आप चुप रहे, मुस्तफा आपकी अजमत के तराने पत्थर पड़ेंगे, महबूब आप जिन पत्थरों से गुजरोगे, हबीब ये पत्थर भी आपके तलवे से इश्क करते हैं, आपके पाए नाज का निशान अपने कलेजे पर ले लेंगे। अब बलिया भी अर्ज करता है, इन्हीं वाकयात और हादसात को देखकर इस शहरे मुस्तफा के पत्थरों, इस शहरे रसूल के पत्थरों, हमसे तुम बहुत अच्छे हो, क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमसे तुम बहुत अच्छे हो, हम चमड़े का दिल गोश्त का दिल रखकर भी उनके पाए नाज का निशान न उतार सके, अल्लाह, ओ शहर तैबा के पत्थरों, तेरा इश्क कितना सच्चा है कि तूने अपने महबूब के कायनात के हबीब के तलबे का निशान अपने कलेजे पर कयामत तक के लिए महफूज, नारे तकबीर, नारे सलाम, हसरते अब इसी जगह रुक करके दो तस्वीर है मेरे सामने, एक तरफ हुक्मरानों की तस्वीर है और एक तरफ इश्क की तस्वीर है। हुक्मरानों के पाले हुए फौजी सरहदों पर लड़ते हैं, शिकस्त भी होती है, शिकस्त भी होती है, रुसवाई भी होती है, रुसवाइयां भी होती हैं, शिकस्ते फाश का सामना भी होता है, लेकिन अगर कोई जख्म लगे तो चीख पुकार भी होती है। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा मेरे अजीज, अब जरा देख लो, अब तक पूरी दुनिया की जंगों के नक्शे में एक तरफ इश्क है, एक तरफ इश्क है, एक तरफ इक्तदार है, इक्तदार की ताली हिली, फौजों ने जंग लड़ी है और नबी से इश्क करने वाली निहत्थी कौमों ने जंगे लड़ी है, और जब निहत्थी कौमों ने जंग लड़ी है तो गुर्बत इनके साथ थी, प्यास इनके साथ थी, भुखमरी इनके साथ थी, मफकुलुल हाल ये थे, गरीबुल वतन ये थे, अपने वतन से दूर ये थे, अपने घर से दूर ये थे, न खाने का सामान इनके पास, न रहने का साधन इनके पास, न लड़ने का हथियार इनके पास, लेकिन इश्क इतना मजबूत और मुस्तकम है कि नबी के इश्क में कैफियत यह है कि जिस्म के हर हिस्से काटे जाए तो कटने के बाद दर्द का एहसास न हो बल्कि मुस्तफा की रजा का यकीन हो जाए, हबीब के रजा के यकीन हो जाए, और यही इश्क का कबूतर उड़ा है तैबा से, यही इश्क का कबूतर उड़ा है तैबा से। जमाना सोचते रहा कि हम इसे कैसे उतार लें अपने मकर की जाल में, लेकिन वो इश्क का कबूतर था, हर दाना पहचानता था। मोहब्बत से बोल दो, वो इश्क का कबूतर था, हर दाना पहचानता था। बहुत कोशिश किया है, बहुत ताकत लगाई है, वो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो कि जय जोगी जयपाल हो, अब यहां रुक कर रखते हैं, बहुत ताकत लगाई है कि इक्तदार के दाने ले लो, हुकूमत के टुकड़े ले लो, लेकिन वो तो इश्क का कबूतर था। अब यहां रुक कर एक बात आ गई है जहन में, तो मैं अर्ज कर दूं, आजकल जो एक हंगामा चल रहा, मैं सोचता था मौलाना अकाए रहमत ने क्या फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूं, क्या कहा,
जोर से क्या कहा? और आली उसके दरवाजा है, यही है ना? अरे बोलो ना भैया। वैसे मैं जानता हूं कि मुसलमान मोबाइल ही ज्यादा पढ़ता है, किताब कहां पढ़ता है। आने वाले दिनों में बाप के जनाजे में भी खड़ा होगा ना तो मोबाइल देखकर दुआ पड़ेगा, लिख लो ये डब्बा कितना खतरनाक हो चुका है। और अब तो माशाल्लाह क्या कहना, बोलूंगा तो बुरा लगेगा, अब तो हमारे स्टेजों पर किसी को चार मिसरे याद नहीं है साहब, या तो मोबाइल दिखाता है, या तो मोबाइल दिखाता है कि मेरे पास भी है, या तो याद नहीं। बस जहन को करीब कर लीजिए, थोड़ा सा वक्त आप करेंगे, ज्यादा नहीं। मैं जान रहा हूं कि जब मुसल्लियों की सेहत अच्छी ना हो तो इमाम को नमाज में सूरह छोटी पढ़नी चाहिए, और जब सुनने वालों की सेहत अच्छी ना हो तो तकरीर बहुत शॉर्ट में करनी चाहिए। लेकिन याद दिला दीजिए मैं क्या कह रहा था। हजरत वो तो निकल चुका था, यही तो मैं देख रहा हूं कि सिर्फ पत्थरों के बीच में चीख रहा हूं या कुछ जिंदगी बची हुई है। ये रही बात, एक नौजवान है सिर्फ हाजिर, बाकी सिर्फ शरीर है, सह शरीर है लेकिन सिर्फ शरीर है। अकायद रहमत क्या फरमाते, मैं इल्म का शहर हूं। क्या कहा? और अली, लेकिन पूरी कायनात में मनसबे बलायक देखने के बाद ऐसा लगता है कि बलायक के शहर का नाम मौला अली है, और बलायत के दरवाजे का नाम पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इस पर भी तफसील गुफ्तगू करने के लायक न स्टेज है न मजमा, वरना दो घंटा इसी पर निकल जाता दो नुक्ते पर। जैसे ही गुफ्तगू होने लगी नबी के इश्क की, शहरे रसूल से मोहब्बत की, वैसे ही एक बेसाइज का पैजामा पहने आदमी खड़ा हो गया। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो ना भाई। पहले इंडिया में दो ही था बेसाइज, एक हाफ पैंट एक हाफ पैजामा। तो हाफ पैंट वाले फुल पैंट में आ गए, इनका पैजामा और ऊपर चला गया, यानी उनको भी शर्म आई तो थोड़ा लॉन्ग कर लिए। लेकिन ये इतने बड़े बेशरम निकले कि थोड़ा और ऊपर उठा दिए। अब जहन को हाजिर करो, ताना देकर कहता है, क्या कहता है भैया साहब? ये सुन्नी लोग, ये लोग तो बस एक ही नबी की बात करते हैं। मौलाना शकील साहब एक ही नबी की बात करते हैं। खत्म हो तरावी रमजान में तो उसी नबी की बात, बारह रबीउल नूर का महीना हो तो उसी नबी की बात, महफिल हो तीजा और चालीसवा की तो उसी रसूल की बात, मामला हो निकाह का तो उसी मुस्तफा की बात। तो चिढ़ के मारे मौलवी झुझला के बोल पड़ा, बलियावी साहब एक ही रसूल की बात करते करते आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है क्या? सुन लीजिए, तबीयत उकताती नहीं है। मान लीजिए कौशल, क्या नाम है? तस्लीम कौशल।
तस्नीम और कौसर एक ही कलाम पूरी रात पढ़ते रहे तो दो चार नौजवान कहेंगे भैया आप कैसेट बदल दो। और बहुत अच्छा शेर अगर दिल को छू गया तो कहेंगे साहब एक बार और। बहुत ज्यादा पसंद आया तो कहेंगे नहीं साहब एक बार और। लेकिन चौथी मर्तबा होता है कि अब थोड़ा आगे बढ़ जाइए। बोलो सही है कि गलत? जी जोर से बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? समझो चाहूं ये एजाज है मेरे मुस्तफा का, ये कमाल है मेरे नबी का, ये इंफिरादियत है मेरे रसूल करीम की कि जब जब उनका नाम लो तब तब नई एनर्जी लावे, जब जब उनका वजीफा पढ़ो तब तब नई तमन्नाई लावे, जब जब उनका जिक्र करो तब तब नई ताकत महसूस हो। अब जरा सा रोक लीजिएगा, जैसे ही कहा मौलाना बलियादी एक ही नबी की बात बार बार, आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है? मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? जाहिर सी बात है सऊदीया का जकात खाए हुआ है, ज्यादा देर टिकेगा थोड़े नहीं। तुरंत बोल पड़ा बलियावी साहब मेरे क्वेश्चन का मेरे सवाल का मेरी उम्र से क्या रिश्ता है? मैंने कहा माफ करना जिसको पाला है वो कोई और नहीं, बलियावी की परवरिश उसने की है जिसने हमेशा यही सिखाया है बेटा घर से तलवार लेके मैदान में जाना ये कमाल की बात नहीं है, मैदान में उतरो और अपने हरीफ की शमशीर से ही उसका मसला हल कर दो, कमाल इसको कहते हैं। जैसे ही मैंने कहा आपकी उम्र कितनी हो गई, कहा 60 साल। क्या कहा? जैसे ही मैंने पूछा कि आपकी उम्र का 60 साल। क्या कहा? मैंने कहा बड़े साहब सेहत तो आपकी बहुत अच्छी है 60 साल की उम्र में भी, रोटी खाते हैं कि नहीं? बोला अरे क्यों नहीं रोटी खाएंगे। मैंने कहा कितने दिनों से रोटी खा रहे हो? बोला जब से खाना सीखा है तब से रोटी खा रहा हूं। मैंने कहा कि पानी पीते कि नहीं? बोला जब से मां का दूध पीना शुरू किया है तब से पी ही तो रहा हूं। मैंने कहा कमाल है साहब 60 साल हो गए एक ही गंदम की रोटी खाते, दो चार दिन नहीं एक टाइम कंकर पत्थर की भी हो जाए। भड़क के मौलवी बोल पड़ा मुझको मारना चाहते हो क्या? मैंने कहा नहीं आपकी सेहत को साइज में लाना चाहता हूं। कितने दिनों से रोटी खा रहे? बोला 60 साल। पानी कितने दिनों से पी रहे? बोला 60 साल। मैंने कहा हैरत है यार 60 साल से उसी चापा नल और कुआं का पानी पी रहे हो, तबीयत नहीं उठाती 60 साल से उसी धान का भात और गेहूं की रोटी खा रहे तबीयत नहीं उठाती। मुल्ला गुस्से में बोल पड़ा माफ करना जी रोटी चावल पानी छोड़ दूंगा तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, ये रोटी चावल पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा बस जवाब इसी में छुपा है, रोटी पानी ये तेरी जिंदगी की बुनियाद है और मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र हर सांस करते रहना ये मेरी रूह की बुनियाद है मेरी आंख। अब जहन को थोड़ी देर के लिए करीब कर लीजिए, आजकल जन्नत बेचने वालों की एजेंसी घूम रही है।
बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है। जन्नत बेचने वालों की एजेंसी घूम रही है कि नहीं? अच्छा हजरत, क्या खूबसूरत लिबास पहन के बेचता है सर? जी क्या मार्केटिंग होती है गजब की? यानी कहीं से कोई शुभा ना करे कि ये गलत बेच रहा। छोड़ेंगे नहीं, हुल्ला बोल उनके खिलाफ भी, उनके खानदान की हड्डियां भी निकालूंगा। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा, नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। नमाज आशिकों के लिए है, अंधभक्तों के लिए नहीं है। और जो हराम खोर कहे कि नमाज पढ़ो ना पढ़ो, जन्नत वाला बाबा दिला देगा, याद रखना वो दज्जाल का खलीफा तो हो सकता है, किसी वली का खलीफा नहीं हो। बहुत हो, बहुत हो। देखा कि जन्नत बेचने वाले की लाइन लगी है और खरीदने वालों की भीड़। वैसे भी मेरा भारत महान है। और सच यह है कि भारत तो महान रहेगा ही, वक्त होता तो उस पर मैं बोलता कि कैसे महान है। जो अब तक लोग समझाए हैं उनके एक एक पॉइंट का मैं बढ़िया से सर्जरी करके दिखा देता, लेकिन थोड़ी कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। मैं भी सोचा मौलाना सैयद खालिद साहब की क्या खूबसूरत मजमा है, बेचने वालों के चेहरे पर चमक बहुत है, चलो मैं भी एक जन्नत खरीद लूं। जैसे ही भीड़ में आया तो देख रहा हूं कि बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। समझ चाहो, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जिंदगी के साथ बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुल्ला बरियानी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। अपने ईमान अकायद की हिफाजत के लिए, अपने ईमान अकायद की हिफाजत के लिए गौसे ख्वाजा और बाबा का आस्ताना चाहिए। अच्छा एक बात हमको बता दे कि जमीन हो मौलाना सैयद खालिद, तो क्या मौलाना शकील जायसी बेच सकते हैं? अरे बोलो ना, समझ देता हूं। और अगर बेच दे तो क्या रजिस्ट्री वैलिड होगी? वैलिड होगी? क्यों? इसलिए कि मिल्कियत किसी और की, बेचने का राइट दूसरे को कैसे? तो जन्नत किसकी है? अरे बोलो ना, किसकी है? यही तो मुसीबत है, जो बफाड़ तकरीरें खूब हुई है जलसों में ये भी नहीं बता सके। जन्नत अल्लाह की, किसकी? जोर से बोलो, किसकी? तो लफ्ज अल्लाह करने में डरते क्यों है? जन्नत किसकी? कासिम जन्नत रसूलुल्लाह। लेकिन बहलोल दाना बांट नहीं रहे,
इसलाह कर भी तो कर काशी में जन्नत और बहलोल दाना बांट नहीं रहे, बेच रहे हैं। बेचने का पावर उसी को जो अथॉरिटी हो, जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी हो। और कोई भी बाप अपनी औलाद को प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी हर बेटे को नहीं देता, बल्कि जिस पर बहुत एतमाद हो। और बाप अगर दिल्ली मुंबई में हो तो पावर ऑफ अटर्नी देकर कहता, जा तू रजिस्ट्री के इंटाइटल है, ठहर जाओ यही पंजाबी को अर्ज करने दो। जन्नत रब की, मालिक रब, कासिम रसूल, बांटने का पावर मुस्तफा को, इसलिए कि महबूब है। हबीब तुम जिसे चाहो दे देना। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बोल दीजिए, बोल दीजिए। हबीब तुम जिसे चाहो दे देना, ये पावर तेरा महबूब, तुम जिसे चाहो दे देना, दे देना। महबूब बेच नहीं रहे, बांट रहे। हबीब बेच नहीं रहे, बांट रहे। मुस्तफा बेच नहीं रहे, बांट रहे। लेकिन बहलोल दाना ने रब का वो कुर्ब हासिल कर लिया और वो कुर्बत पाली। बहलोल मिल्कियत रब की बेच दो। मिल्कियत रब की बेच दो। अब एक लंबी बहस है इस पर, हम थोड़ी असल पॉइंट की तरफ आना चाह रहे हैं। ये कौन सा गांव है? भैया इतना लंबा लंबा नाम रखोगे लोग तो अगले महीने गांव का नाम बदल जाएगा। जब इतना छोटा सा मुगल सराय बदलने में देर नहीं लगता। पठान कपूरवा क्या बात है, कितने घर की आबादी है जी भैया? 35,000 टोटल, 35 only। सही से बोलो ना कि 35 घर का पुरवा है। कितने घर का? 35 घर तो बहुत। ईमान वाले का एक ही घर काफी है 1,000 कुफर पर। यहां तो 35 घर है। आया तो देखा मौलाना, तबीयत बहुत खुश हुई, बड़े अच्छे अच्छे साख के जवान दिखे मुझको जलसे में। नहीं देखने के बाद लगा कि इन जवानों को तो पुलिस में होना चाहिए। हाइट भी अच्छी, फेस भी अच्छा, बॉडी भी डाइसिंग, आखिर कमी कहां है? कमी कहां? अपनी आबादी से बाहर निकलो, सड़क पे जाओ, आंख फाड़ के देखना। सुबह 3 बजे से 4 बजे से 6, 6:30, 7 बजे तक इलाके की हर कौम के बच्चे सड़कों पर फिजिकल वर्जिश और दौड़ते मिलेंगे। और तुम्हारे बच्चे सुबह 9 बजे तक सोते हुए मिलेंगे। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो सही है कि गलत है? तो अभिमान से बोलो कि जो बेटा अपने बाप के बुढ़ापे के कंधे का बोझ आज बन रहा है, वो कल इस धरती का बोझ बनेगा कि नहीं बनेगा?
35 को यूनाइट करना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी आसानी से हो सकता है। अब ये जलसा किस खुशी में कराए हो मैं तो नहीं जानता, और कौन करा रहा ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी सी बात जानता हूं मौलाना ने कहा कि आ जाना है, मैंने किसी तरह खींच खाच के निकाल दिया, लेकिन आया हूं तो कुछ निशान छोड़ के चलो, और आप भी कोशिश करो कि कुछ आज से हम लोग जलसे में ये जो खर्च, ये जो लाइट, ये जो दावत, ये पिंडाल, ये रात का जगना, ये दिल्ली और पटना से लोगों का आना, पूरे अतराफ के उलमा का जमा होना, यही मान लो कि ये मेरे मुस्तफा की अजमत की एक छोटी सी महफिल थी, और इस महफिल में हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का एक एजेंडा लेके बैठ गए। 35 घर अगर एक हो जाए, 35 घर अगर एक हो जाए तो बेसी नहीं 3 साल के बाद ये गांव पूरे इलाके का एक मॉडल गांव हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो कौम संघर्ष नहीं करती है वो कौम मिट जाती है, जो कौम लड़ती नहीं है वो कौम हमेशा हारती है। इसलिए कि जिंदगी में इंसान कभी बीमारियों से लड़ता है, कभी बेरोजगारी से लड़ता है, कभी परेशानियों से लड़ता है, कभी हादसों से लड़ता है, सिलेंडर कर जाए तो मौत है, और अगर चढ़ के छाती पर खड़ा रहे तो जिंदगी है। 35 घर की आबादी को एक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी, हर घर से जिम्मेदार आदमी निकल जाए। खाली साहब, क्या बयार चला है बिहार झारखंड में, नतीजा ये आ रहा कि किसी की औकात नहीं है, जिधर से तारीख बेदारी हो जा रही है, किसी पैसे वाले धन्य सेठ की औकात नहीं जो अपने बेटे के निकाह और शादी में डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी लेके चला जाए। अब भी बेशी नहीं, मुश्किल से 6 महीना पहले मैं गिरिडीह के एक इलाके में गया था, जहां जिस इलाके से शायरी इस्लाम मुबारक हुसैन मुबारक, वो मेरी तहरीक के एक हिस्सा, अल्हम्दुलिल्लाह क्या जलवा हुआ, 22 गांव की एक महापंचायत बनाया इसे ही जलसे में, और 6 महीने के अंदर अंदर 62 शादियां हुई हैं। कितनी 62, 62 शादी में अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का बेपनाह फजल हुआ है, 62 निकाह में कोई एक बारात ऐसी नहीं गई जिसमें बाजा डीजे आतिशबाजी पटाखा हो, क्या कहने, वाह वाह वाह। और उसमें भी कमाल ये कि 22 गांव की पंचायत बनी, और हर पंचायत के लोगों ने ऐलान कर दिया अपने अपने गांव की मस्जिद से कि मेरे गांव वालों कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने कहीं रिश्ता किया है अपनी बेटी का तो अपने होने वाले रिश्तेदार को फोन करके खबर दे के, खत दे के भेज दो कि बारात लेकर आना तो लिमिटेड लाना थोड़ा सा, और उसके अलावा नाच बाजा गाजा पटाखे के साथ आओगे तो तुम दूल्हे के साथ मेरी आबादी में दाखिल नहीं हो पाओगे, वापस जाना पड़ेगा। क्या जलवे हो रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतनी सी विनती करेंगे, 35 घर की आबादी है, नौजवानों तुम उठो, अरे इस्लाम के वजूद का बोझ अब उन बूढ़ों के कांधे पर कब तक डालोगे, मसलक और मशरब के वजन को उन बूढ़ों के
पुरानी हड्डियों पर कब तक रखोगे? नौजवानों, आप अपनी चटाई तैयार करो, अपने हर घर के नौजवानों को एक जगह बैठा लो और बैठाल कर एक नक्शा बना दो कि आज के बाद से मेरी आबादी मेरे गांव में, सूरज डूबने के बाद कोई लड़का किसी के दरवाजे वोटा चौराहे पर मोबाइल के डब्बों में उलझा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अपनी दरवाजों पर कलम किताब दबाव के साथ मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि मोबाइल के डब्बों से मस्ती करेगा, बल्कि किताब के सफात में अपने आप को खपा करके ये सोच करके किताब उठाओ कि हम तन्हा जीने के लिए पैदा नहीं लिए हैं, मेरे पीछे मेरी नस्लों का एक वजूद है जिसको बचाना है, और उसको बचाने के लिए हम हवेली बनाकर नहीं बचा सकते हैं, हम शीशा पिलाई गवार खड़ा करके नहीं बचा सकते हैं, लेकिन मजदूरी करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, मेहनत करके, रात दिन खटकर अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर का कलम दे देते हैं, तो मेरे बेटे अपने कलम की नोक से अपना खानदान भी बचा लेंगे, मस्जिदों का मीनार भी बचा लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुल्ला बरियानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर अब कितनी तकरीरें होगी तो इंकलाब आएगा? माफ करना उर्स अकीदत है, इल्म जरूरत है, चादर अकीदत है, इल्म जरूरत है, गौसे आजम का लंगर अकीदत है, खूब लुटाओ, लेकिन औलादों को जाहिल रखकर कादरी मत बनाओ। पहाकर कादरी बना दोगे तो तेरा बेटा लहरा के कहेगा मेरे रजा का दिया हुआ वजीफ़ इश्क कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, लेकिन कौन समझाएगा आपको? ईमान से बोल दो मुझको, तुम ही से एक सवाल कर लो मुसलमानों, अगर एक घर में पांच आदमी है तो कई मोबाइल है? अरे बोलो ना, कितना है? और उस घर में बेरोजगार पढ़ा लिखा है तो दो इस्तरा मान लो, सही बोल रहा हूं कि गलत? बेरोजगार है तो एक मोबाइल से उसका काम नहीं चलता, दो रखता, क्योंकि बेरोजगार है। अब अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब देना, एक मोबाइल का पर मंथ का कम से कम रिचार्ज कूपन कितने का लगता है? कितने का? 250। और ये मां बहन बेटियां आई है ना, ये भी कान खोल के सुन ले, मेरे बच्चों को आवारा आज की बहुए बना रही हैं, आज की बहुए। सैयद साहब, क्या आग लगी है मेरे मुआशरे में? बात जब रिश्ते की हो जाती है तो कुछ लोग लड़की देखने जाते हैं, बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, शर्म नहीं आती यार? पूरी मुस्लिम बिरादरी बेशर्मों की लाइन में खड़ी हो गई। मौलाना, औरतें तो औरतें, मर्द जाते मर्द, और एक औरत ऐसी नहीं जाती जो उस बच्ची से पूछ सके कि बेटा तुझको कुरान शरीफ पढ़ने आता है कि नहीं, तुझको नमाज पढ़ने आती कि नहीं, बेटा वजू कैसे करती हो जरा करके दिखाओ, कोई एक औरत ऐसा सवाल करती है? अरे बोलो ना। और कुछ पागल तो इस किस्म के बदतमीज लोग जाते हैं कि उस बच्ची से अंग्रेजी में सवाल करता है, भला से उसको अंग्रेजी की स्पेलिंग खुद नहीं मालूम है, लेकिन सवाल उस बच्ची से अंग्रेजी में करेगा। अब कह दो कि जरा जिला कलेक्टर को अपने गांव की समस्या पर एक दरखास्त लिख दो,
तो मां मर जाएगी उस वक्त उसकी। एक पटिशन नहीं लिख सकता, लेकिन उस बच्ची को टॉर्चर करता अंग्रेजी में क्वेश्चन करता। बोलो सही है कि गलत, जोर से बोलो। तो ये लानत बंद होनी चाहिए कि नहीं? अब नहीं बोलोगे? नहीं नहीं, धीरे बोल रहे हो, समझ रहा हूं कि अंदर से क्या है तुम्हारे। बोलो ये लानत बंद होनी चाहिए कि नहीं? तो धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो, बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन करेगा? अरे कौन करेगा? दो आदमी, तुम ही को सब मिलके बंद कर देगा। अगर नियत में खोट नहीं तो चारों तरफ से एक आवाज देकर बताओ हमको, ये बंद कौन करेगा? कैसे करोगे? अरे ये तो रोज के मौलाना लोग धोखा खाने वाले हैं बेचारे। हर मजमे में हाथ उठाएगा, नमाज नहीं छोड़ेंगे, पता चला उसी दिन से सोना ज्यादा बढ़ा दिया। अल्लाह के वास्ते रहम कर दो मेरी बच्चियों को। तो एक घर में पांच मोबाइल, तो महीने का 250 के हिसाब से कितना हो गया? कितना हुआ? अरे यार मौलवी हिसाब में कमजोर होता है, जरा जोर से बोल के बता दो कितना हुआ? 12.5। अपने जमीर से पूछना, एक घर से 1250 रुपया पर मंथ निकलता है, दर्द नहीं होता। काश अगर हर घर से मस्जिद के इमाम के लिए सिर्फ 500 रुपया महीना निकल जाता तो मेरा इमाम कभी नहीं कहता कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, बल्कि वो इमाम सीना चौड़ा करके कहता कि मेरे मुक्तदी मेरी औलादों का ख्याल रखे हैं, इनके बेटे आवारा न बनने पावे, इसका ख्याल हमको रखना पड़ेगा। लेकिन ये करोगे नहीं? मजा आता है मौलवी गरीब रहे तो मजा आता है, आलिम पैदल चले तो सेठों की बांछे खिलती है। अल्लाह का शुक्र है, फरागत के बाद जब रईसुल कलम मुझको ले गए थे पटना, तो मेरे बड़े वालिद आए, उन्होंने मुझसे बड़ा कर्मनाक लहजे में पूछा, बेटे वहां पटना में चलते कैसे हो? मैंने कहा ऑटो रिक्शा। भड़क गए, उनका भी पठान चढ़ गया। बोले क्या बोला? मैंने कहा ऑटो रिक्शा से। बोले अभी चलो जाकर सीधे बुलेट खरीदवा दिए, एक तो पतला दुबला, और वो भी बुलेट आज से करीब करीब 40 साल पहले। तो हर कोई मुड़ के देखता था, मोदी साहब बुलेट से पीछे चल रहे। अपनी रविश को बदलो मुसलमानों, अपनी सोच बदलो। तुमसे तेरे मजहब का तारुफ नहीं होता, मजहबी शान से इस्लाम का तारुफ होता है। तुम्हारे चेहरों से तुझको कोई मुसलमान नहीं मानता, लेकिन अगर वही तेरे चेहरे पर टोपी और दाढ़ी हो तो दुनिया आंखें फाड़ के कहती है, ये देखो रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। तो मजहबी पेशवा को गरीब बनाने का कि खुशी को दफन करो। अब क्या गजब है हजरत, आज ये तावीज के लिए मां बहने लाइन लगा के, अगर कह दिया तावीज बेचने वाला, मैं जानता हूं अगर तावीज लिखने की जो चाल है वो भी नहीं पता है। वो छपा हुआ दिल्ली से एक बंडल रखे हुआ है,
अरे भैया आला हजरत का तो एहसान है कि रोटी ढेरों की चल रही है। मैंने बहुत पहले कह दिया था, कुछ लोग अकीदतन सुननी है, कुछ लोग जरूरतन सुननी है, कुछ लोग हकीकतन सुननी है। हुजूर ताजू शरिया लिए रामा स्टेज पर थे, मारे खुशी के मुस्कुरा पड़े। अगर तस्वीर खत्म हुई तो सर पे हाथ दस्ते अता रख दिया और फरमाते हैं कि आज तूने नस पकड़ दी सब। तो अपने को क्या डर है, कोई किसी अदारे का तनख्वाहदार मुलाजिम तो हूं नहीं। मेरे अजीज, मेरी मां बहने, आवाज जा रही है दूर तक, कयामत तक ताबीज मांग करके बांधते रहोगी, खरीद कर बेटा नहीं सुधरेगा, लिख लो नहीं सुधरेगा। अरे जब ताबीज देने वाले का बेटा खुद नहीं सुधार सका तो तेरे बेटों को का सुधारेगा। मैं जानता हूं जितना ताबीज बेचने वाला है आज ही से मेरे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन मैं उनको भी जानता हूं कि वो क्या मेरा बिगाड़ लेंगे। मेरी मां बहनों, अपनी औलादों के मुस्तकबिल से मत खेलो। किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक काम कर दो कि जब अल्लाह तुझे औलाद जैसी नेमत दे तो अपनी औलादों को बेवजू कभी दूध मत पिलाओ। रो रहा 10 मिनट 5 मिनट और रो लेने दो, लेकिन दूध पिलाने से पहले वजू कर लो। और तेरी औलाद तेरे पिस्तान से चिपक जाए तो तुम मेरे आका पर दरूद पढ़ते हो। जब बावजू होकर दरूद पढ़ते तुम अपनी औलाद को दूध पिलाओगी तो लिख लो, लिख लो, जमाना आपका रास्ता भी बना देगा तो तेरी औलादों के तलबे के तहफ्फुज के लिए ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरूद की बरकतें और वजू की तासीर उस आग के अंगारे को भी गुलजार बनाकर रख देगी। लेकिन कौन समझाएगा इन मां बहनों को जो एक वक्त हराम खोर नमाज नहीं पढ़ता है साहब, वो ताबीज की दुकान खोले बैठा हुआ है, मां बहन बैठ कर लाइन लगा के ताबीज ले रही। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना मौलाना। ये तो शुक्र कीजिए कि अमेरिका वगैरह में, लंदन वगैरह में किसी बड़े बुजुर्ग के मजार का अब तक पता नहीं चला। शेख खाली साहब, अगर पता चल जाता कि लंदन में और बर्तानिया में और अमेरिका में किसी बहुत बड़े मजार बुजुर्ग का मजार है तो कमाने वाले शौहर के लिए आफत होती। वो जब देखती कि 2-4 लाख रुपया बैंक बैलेंस है तब कहती कि बेटा बीमार था, अमेरिका वाले बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने की मन्नत मान चुका हूं, चलो रहम करो, अब बहुत हो गया। अरे जो मेरा गरीब नवाज भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, जाए तब सुने। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मेरा बादशाह तो ऐसा है कि अगर गांव के खलियान से सच्ची अकीदत से कोई सदा दे तो मेरा मोइनुद्दीन सुन लिया करता है। इसलिए मैं विनती करूंगा, अपील करूंगा अपनी मां बहनों से भी, आपसे भी और गांव के नौजवानों से, टेंट खुल जाए, माइक खुल जाए, कल के बाद सारे नौजवानों को लेकर बैठो, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं माइक पे नहीं बोल सकता। अगर बुद्धि थोड़ी सी भी बची है तो बैठो,
और दो चीज तय करो कि हम अपने गांव में निकाह को सस्ता करेंगे, निकाह को सस्ता करेंगे, और अपने गांव के किसी बच्चे और बच्ची को जाहिल नहीं रहने देंगे। सिर्फ दो एजेंडे पर काम करो, तीन के एजेंडे पर उलमा काम कर रहे हैं, समाज और हालात के एजेंडे पर आप काम कर दो। पांच साल लगेगा, सिर्फ पांच साल। पांच साल के बाद मोहताजियों की दीवार गिर जाएगी और गिरी हुई उसी दीवार पर हमारे बच्चे सीना ठोक के खड़े होंगे और कहेंगे वो दिन खत्म हो गए जब हम ख्वाब ख्वाब सफर कर रहे थे, अब वो दिन खत्म हो गए। अब दिन ये है कि हम जाग कर सफर कर रहे हैं, ख्वाब में सफर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये जलसा, ये सजावट, उलमा का आना, रात का जगना, ये सब वसूल होगा। वरना नाम के लिए करोगे तो काम नहीं होगा, और काम करते जाओ रसूल की रजा के लिए, नाम ही नाम रहेगा, उस नाम पर कोई पर्दा नहीं डाल पाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबके ईमान की, जान की, माल की हिफाजत फरमाए, और रब्बे जुलजलाल मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए लड़ रहे मुजाहिदीन को हौसला और हिम्मत अता फरमाए। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।